अगर आपका कोई भी सामान खोया गया है या चोरी हो गया है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी या कोई भी डॉक्यूमेंट, या कोई भी पर्सन मिसिंग है, या आपके घर पे चोरी हो गया है, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन FIR करेंगे, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन के जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से बहुत ही आसानी से आप FIR कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो खोया गया है या चोरी हो गया है उसका आप घर बैठे मोबाइल फोन से, लैपटॉप से किस तरीके से FIR करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. ऑनलाइन FIR करने के लिए सभी स्टेट में अलग अलग वेबसाइट है। आपको अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर देना है ऑनलाइन FIR और जिस भी स्टेट में से में आप FIR करना चाहते हैं उस स्टेट का नाम टाइपिंग करके इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। पहले वाले जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देख रहे हैं कि दिल्ली का ये जो वेबसाइट है, ये पेज है, ये ओपन होकर आ चुका है। अगर आपको FIR करनी है यूपी में तो सिंपली यहाँ पर आप डालेंगे ऑनलाइन FIR यूपी। तो ऑनलाइन FIR यूपी डालने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपके सामने ये कुछ इस तरीके से पेज आएगा। पहले वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो यूपी का जो पेज है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये यूपी का जो है ये वेबसाइट ये ओपन होके आ चुका है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से FIR कर सकते हैं। अगर आपको FIR करना है राजस्थान में तो टाइपिंग करेंगे ऑनलाइन FIR राजस्थान, इंटर करेंगे तो राजस्थान के ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर पहले वाला लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे राजस्थान पुलिस तो आपके सामने राजस्थान का ये पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे राजस्थान का ये पेज पोर्टल ओपन होकर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट में हैं तो ऑनलाइन FIR करके आप क्लिक करेंगे उस स्टेट का नाम तो आपके सामने पूरे स्टेट का नाम आ जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिल्ली वाले पोर्टल को यहाँ मैं ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ से देख रहे हैं दिल्ली में कंप्लेन करने के लिए यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल चोरी हो गई तो यहाँ से हम व्हीकल के लिए भी यहाँ से हम कंप्लेन कर सकते हैं। घर में या कहीं भी चोरी हुई है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे FIR कर सकते हैं। अगर किसी तरीके के इकोनॉमिक या साइबर ऑफेंस किया गया है तो इसके लिए भी हम यहाँ से FIR कर सकते हैं। यहाँ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी हम यहाँ से FIR के लिए कर सकते हैं। लॉस्ट एंड फोन मोबाइल वगैरह अगर आपको चोरी हो गया इसके लिए भी हम यहाँ से FIR कर सकते हैं। व्यू कंप्यूटर मिसिंग रिपोर्ट भी आपको यहाँ से कर सकते हैं। स्टोलन व्हीकल सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी अगर कंप्लेन अगर खोया हुआ है या पाया है उसका स्टेटस आप यहां से व्यू कंप्लेन पे स्टेटस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन मिसिंग है तो आप यहां से अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी यहां से आप अपना FIR कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी सामान खोया गया है तो यहां देखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट एंड फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। अगर आपका कुछ खोया गया है तो लॉस्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आपने कुछ पाया है तो फाउंड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालना है, यहाँ फादर नेम डालना है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे आपका जो सामान खोया गया है उस जगह का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा कि कब खोया गया है, कौन से ईयर में खोया गया है। इसके बाद चाहे तो आप यहाँ से टाइम भी डाल सकते हैं कि कितने टाइम में ये आपका जो सामान लॉस हुआ है वो कितने टाइम में यह आपका खोया गया है। अब आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपको क्या खोया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड खोया गया है, आईपैड खोया गया है, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, वॉच, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मोबाइल, वोटर आईडी, सिम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आई कार्ड, स्कूल आई कार्ड, कॉलेज, तो आई कार्ड, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है। और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि राशन कार्ड, आधार, स्टाम्प, सेल डेट, एग्रीमेंट सेल, तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो भी खोया गया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इसमें लग रहा है कि मेरा जो सामान खोया गया है इसमें नहीं है तो आप इसमें अदर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना सामान का नाम टाइपिंग कर देंगे, जो भी सामान आपका खोया गया है।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ कि मेरा मोबाइल खोया गया है, तो मैं यहाँ से मोबाइल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे IMEI नंबर पता है तो यहाँ पे डाल देंगे और उसमें जो मोबाइल नंबर खोया गया है वो पता है तो आप इसमें डाल देंगे। तो आप उस मोबाइल नंबर जो था उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। डेट आप इसमें चूज कर लेंगे कौन सा डेट में खोया गया था, वो डेट आपको इसमें से चूज करके यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आप जाकर कंपनी चूज कर लेंगे कौन सा ब्रांड का जो आपका सामान है वो खोया गया था, तो कौन से कंपनी का था वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टाइपिंग कर देना है CMD या GSM था वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आपके एक से ज़्यादा सामान खोया गया है तो एड पे क्लिक करेंगे और एड पे क्लिक करके और ऑप्शन नीचे आएगा, यहाँ पे आप डाल देंगे। तो आपको एक से ज़्यादा खोया हुआ मोबाइल अगर और है तो और भी और यहाँ पे ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे अपना और भी ऑप्शन, जो भी मोबाइल खोया गया है या जो भी अदर कोई जो आइटम खोया गया है उसको आप सिंपली इसमें से जाके सेलेक्ट करके आप इसमें और भी डिटेल को डाल सकते हैं, और जितना भी खोया गया है उसको ऐड करते जाइएगा तो ये नीचे ये और ऑप्शन ये बढ़ता चल जाएगा और आपका जो भी प्रोडक्ट है इसमें ऐड होता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे आधार कार्ड खोया जाता है तो आधार कार्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सभी सामान को यहाँ ऐड कर सकते हैं एक ही कंप्लेन में। अगर आप पुलिस को कोई और डिटेल देना चाहते हैं तो एनी अदर डिटेल में यहाँ पे आप टाइपिंग करके लिख सकते हैं और अपना डिटेल में कुछ भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट पे ओके कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पे LR नंबर दे दिया गया है। ये LR नंबर को आप सेव करके फोटो खींच के रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड LR फाइल पे डाउनलोड करके इसको आप रख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ये जो मैंने अभी कंप्लेन किया हूँ, FIR किया हूँ, इसका ये कॉपी यहाँ पे आपका जो ओपन होके आ चुका है। ये तो हुआ कि ये आपका सामान जो खोया गया है उसका कंप्लेन कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो गई है, अगर आपकी व्हीकल चोरी हो गई है तो इसके लिए यहाँ थैप EFI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टोलन रिपोर्ट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है कि यूजर नेम, यहाँ पे आप डाल देना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको डाल देना मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया हुआ, वो OTP डाल के यहाँ वेरीफाई पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ OTP सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर FIR पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ बोला जाएगा अब आपकी प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, आपको नहीं पता किसने चुराई है, ये जो कोई सस्पेक्ट है वो आपका नौकर एम्प्लॉई है या कोई और है, इस चोरी के दौरान कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर ये सारी बातें आपका सही है तो सिंपली यहाँ पे यस वाले पे ओके करेंगे। अब यहाँ देखे कुछ इस तरीके से ये फिर ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद जो भी सस्पेक्ट है उसको नहीं जानते हम नो करेंगे, यहाँ बोल रहा है कोई भी इंजर्ड हुआ है हम यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर फायर जो है वो ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट का नेम डालना पड़ेगा, यहाँ जेंडर चूज कर लेना है मेल फीमेल जो भी है, यहाँ कंट्री ऑलरेडी आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें से चूज कर लेना है, एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एक अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है। इसके बाद अल्टरनेटिव कोई और मोबाइल नंबर है दूसरा तो आपको यहाँ टाइपिंग कर देना है, ईमेल आईडी कोई दूसरा है अगर और तो वो भी आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ चोरी हुई है उसका यहाँ पूरा एड्रेस आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ डालना है आपका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये डेट ऑफ फ्रॉम, तो यहाँ है कि पूछा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी किस डेट से किस डेट के बीच में चोरी हुई है, वो डेट आपको चूज करके यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइमिंग डाल देनी है किस टाइम से किस टाइम के बीच में आपकी ये प्रॉपर्टी चोरी हुई है। अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंसिडेंट देना होगा, तो आप इसमें से चूज कर लेंगे कि आपकी चोरी हुई है, सामान छीना गया है या आपका पॉकेट मारा गया, चलिए मैं यहाँ थेप चोरी चूज कर लेंगे।
अब यहाँ पे आप चूज कर लेंगे कि जगह चूज कर लेंगे कि वो आपके साथ कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे एयरपोर्ट, सिनेमा, गेस्ट हाउस, होटल, मॉल, मार्केट, तो बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें से आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ मार्केट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें नोट सीट पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हीकल यूज सपोर्ट के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट योर मोटरसाइकिल सपोर्ट कार नो इधर, या इसमें जो भी आपको चूज करना है सिंपली चूज कर लेंगे। इस पर सिंपली यहाँ का जो भी व्हीकल यूज सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, इस पर कर दे रहे हैं आपको यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सस्पेक्ट है उसकी हाइट चूज कर लेना है, मीडियम है, शॉर्ट है, जो भी है, तो आप बड़ा है, मीडियम है, शॉर्ट है, जो भी इसमें से चूज कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ एज ऑफ सस्पेक्ट, मतलब सस्पेक्ट का एज क्या था, तो उसको आप एज यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके जो भी सामान चोरी हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना चूज कर लेंगे कि आपका कौन सा सामान चोरी हुआ था, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए मैं अपना सामान यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लिया हूँ। अगर आपका कोई बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंप्यूटर, मोबाइल, चेकबुक, तो इसमें आप जो भी आपको खोया हुआ है, चोरी हुआ है, उसको आप चूज कर लेंगे और उसका डिटेल आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। अगर एक से ज़्यादा सामान है तो प्लस वाले पर आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर जो भी और अदर सामान खोया गया है उसको सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन में उसको उसके बारे में डिटेल दे देना है, इसको सिंपली यहाँ से ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपको आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा और जितना सामान चोरी हुआ है उसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ से प्लस वाले आइकन पर जाके ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़्यादा लिख रहे हैं तो इसको यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा और भी लिख सकते हैं। अगर कम लिखना है तो जितना शॉर्ट में इसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो आप इसमें अपना आधार कार्ड का नाम डाल देंगे, अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ये सब अपना जो डिस्क्रिप्शन में ये टाइपिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स डाल देनी है कि ये सारी घटना कैसे हुई है। टाइपिंग करने के बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पासपोर्ट नंबर, तो वो यहाँ पर अगर यहाँ पर डाल देंगे। इशू कब का डेट है वो आप यहाँ पर इशू डेट डालेंगे। यहाँ प्लेस कहाँ से हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके पीसर में आपको क्या करते हैं, ओके पीसर में क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, मतलब आप काम क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर अपना चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक आईडी प्रूफ चूज कर लेना, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी चूज करना चाहते हैं इसमें चूज कर लीजिएगा। इसके बाद उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सस्पेक्ट की डिटेल डाल देनी है, जिसने भी ये चोरी की है। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो यहाँ पर आपको उसके बारे में टाइपिंग कर देना है, लिख देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी पूरी FIR आ जाती है और देख लीजिए यहाँ पर आपके पूरी FIR आ गई है, जो जिसने जो भी आपने फिलअप किया है। ये FIR CRP सेक्शन 154 के तहत FIR की जा रही है। इसके बाद एक बार आप यहाँ सभी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ सबमिट पर ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने कंसेंट दे के यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो FIR है ये रजिस्टर हो जाएगी और साथ ही आपको एक FIR नंबर भी दे दिया जाएगा, जो यहाँ पे आपका FIR नंबर है और ये डेट में आपका FIR हुआ है और ये आपके मोबाइल नंबर पे SMS भी कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ डाउनलोड FIR पर क्लिक करके अपने FIR की एक कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा यहाँ पे FIR यहाँ पे पूरी आ चुका है, जो मैंने फिलअप किया था। अपने FIR के स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ FIR स्टेटस पर ओके करेंगे तो आपके सामने आपकी सभी FIR आ जाती है। तो जो भी आप की है उस पर आप क्लिक करेंगे, जिसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं और इसका स्टेटस आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग में है, मतलब ये इन्वेस्टिंग में है अभी, क्योंकि मैंने इसको अभी फिलअप किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पेंडिंग है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इशू डेट कौन सा डेट में मैंने किया हो उसका डेट भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो जो भी आपका FIR का स्टेटस होगा यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना कोई भी खोया हुआ या चोरी हुआ अपने सामान का जो ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, इसके बाद सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरीके से नया नया और लेटेस्ट वीडियो पर डे अपलोड करता हूं और मेरी वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।
सो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीका से खोया हुआ या चोरी हुआ सामान को हम ऑनलाइन FIR कर सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, घर बैठे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।